बीएसपी से निकाले गए विधायकों ने भरी हुंकार। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सबसे निचले स्तर पर आएगी। बसपा के नेता व मौजूदा दोनों विधायकों को बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा पार्टी से निकाले जाने के बाद जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया है। इसको लेकर बसपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में गुस्सा है और ये पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसपा से इस्तीफा देकर इन नेताओं के साथ खड़े हो रहे हैं, जिसके प्रभाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का ग्राफ निचले स्तर पर होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर जिले के बसपा के मौजूदा दोनों विधायकों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर और पूर्व वित्त मंत्री उच्च चिकित्सा शिक्षा पूर्व संसदीय कार्य व विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को एक साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के पार्टी से बाहर कर देने से प्रदेश में बसपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। इन दोनों नेताओं के समर्थन में काफी संख्या में बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसपा से इस्तीफा दे रहे हैं। पूर्वांचल में बसपा के स्तंभ माने जाने वाले इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर करने से बसपा में भूचाल आ गया है। अब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक बसपा से इस्तीफा दे रहे हैं और इन दोनों नेताओं का स्वागत व इनके साथ रहने व बसपा के ग्राफ को सबसे निचले स्तर पर लाने का आह्वान भी कर रहे हैं। बसपा विधायक लालजी वर्मा ने कहा कि धोखे से गलत आरोप लगाकर हम दोनों को पार्टी से निकाला गया है। इससे कार्यकर्ता व समर्थक गुस्से में हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं बसपा विधायक रामचल राजभर ने कहा कि जिनके गलत आरोप से हमें पार्टी से निकाला गया है, जिससे पिछड़ा वर्ग आहत हुआ है, 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले के पांचों विधानसभा सीटें जीतेंगे, यही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में बसपा को इसका असर जरूर दिखेगा। कि जिस तरह से हम लोगों के साथ साजिश हुआ और गलत आरोप लगाकर पार्टी से निकालने का काम किया गया, निश्चित रूप से हम सब लोग और पूरे अम्बेडकर नगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज पार्टी का संघर्षशील कार्यकर्ता है, वो अपने को आहत महसूस कर रहा है। और लगातार हम लोगों के पास फोन आते हैं और वो लोग हम लोगों से संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोग उनका आदर करते हैं और जो आज की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में अपने सभी साथियों से आज इसीलिए बैठक बुलाई गई, इन सभी लोगों से राय मशवरा करके अंबेडकर नगर के हित में, अंबेडकर नगर के विकास के लिए, साथ ही साथ प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण रखते हुए हम लोग कोई निर्णय लेने का काम। इस तरीके से जब आप लोगों को निष्कासित किया, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसपा को छोड़ करके आपकी तरफ आ रहे, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? लोगों की मंशा है कि बहुजन समाज काफी आगे बढ़े, सम्मान बढ़े, और जब वो महसूस कर रहे हैं कि जो तथाकथित पदाधिकारी हैं वो बहुजन समाज का सम्मान नहीं करना चाहते, बल्कि कुछ चंद ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से सबल हैं, केवल उनके ही हाथ के खिलौना बने हुए हैं, तो इससे कारण बहुत से जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ। इस घटनाक्रम से आहत हैं और उनके आगे ये दिख रहा है कि अब मूवमेंट मिशन जो है, जिस हिसाब से मानवर कांशीराम साहब हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने संघर्ष करके यहाँ तक लाने का काम किया था, आज उस मूवमेंट मिशन पे बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। और वो बड़े आशा भरी निगाहों से पूरे देश के लोग फोन करते हैं, चाहे रामचल राजभर हों, चाहे श्री लालजी वर्मा साहब हों। और जहाँ तक 2022 की बात है, जिस पार्टी के बारे में आप पूछ रहे हैं और जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस घटनाक्रम से जो है बीएसपी जो है ग्रोथ करेगी, बीएसपी के परसेंटेज आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ऐसा 2022 में जो हम दोनों भाई फैसला करेंगे, कि जनता की मांग है, सर्व समाज के भाई बहनों की मांग है, तो जो दोनों भाई फैसला करेंगे और उस फैसले पर पूरे अंबेडकर नगर के पांचों सीट हम लोग जीतेंगे और जीत कर जहां फैसला जहां हम लोग जाएंगे उनके झोली में डालने का काम करेंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।